गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। दिस इज अ क्लास ऑफ साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 7। सो स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 का एक्सरसाइज जो है वो हमने किया था, और क्वेश्चन आंसर जो रह गया था वो आज हम इसको डन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 9 क्वेश्चन हैं, उसको हम 1 by 1 करेंगे, ठीक है। वॉट इज़ हीट है, हाउ कैन यू से दैट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, नेम 3 स्केल यूज टू मेजर इट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल। नेक्स्ट है, 5 स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ हीट, हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ। तो इसका आंसर तो मैंने यहीं पे लिख दिया, बाय रेडिएशन, ठीक है। तो 6 वाले का आंसर यहीं से आप डन करेंगे, बाय रेडिएशन। 7 है, गिव वन एग्जाम्पल टू शो दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर नेक्स्ट है कि लैंड सी ब्रिजेस कैसे ओरिजिनेट होती है, और एक्सप्लेन में है कि यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं, और समर में जो है वो लाइट शेड के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, व्हाट इज़ हीट, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 1, ठीक है, व्हाट इज़ हीट। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकेंड वाला मैंने बताया कि मैं इसको बाद में अलग से दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, नेम द देयर स्केल यूज टू मेज़र इट। तो यहाँ पर ये आंसर है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, और इसके स्केल है फॉरेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉरेनहाइट और केल्विन में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो केल्विन है, और सेल्सियस का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप फॉरेनहाइट और सेल्सियस है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर उसमें है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ेक्ट ऑफ हीट, कोई एक इफ़ेक्ट ऑफ हीट लिखना था। तो पहला इफ़ेक्ट क्या है, हीट कॉजेस चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ से ये आंसर यहाँ से पूरा डन होगा, यहाँ तक आपका लगा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्लो ऑफ एनर्जी का कोई एक एग्जांपल देखिए दीजिए। तो यही है कि सोलर सिस्टम जो होता है ना, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ हीट एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम इज़ सन इट्सेल्फ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, हाउ गेट द लैंड ब्रिजेस कैसे वो होती है। तो एक तो ये कट जाए, तो लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेस कैसे ओरिजिनेट होती हैं, तो ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो आपको एक्सप्लेन करना था, उसमें 2 थे, एक था कि यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो मेटल के ना होकर के प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं, एंड उसका सेकेंड ऑप्शन था कि लाइट कलर के कपड़े हमें समर में क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, 1 by 1 आंसर यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसको आप ईज़िली जो है इसको यहाँ से राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर